हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला कॉन्सेप्ट जो होता है आपका वो चेक करने का होता है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। हाउ टू चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लिख सकते हो टू चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक होगा तो उसके साथ क्या आएगा, हमेशा एक्स स्क्वायर का टर्म होगा। किसका टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का, तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा टर्म है, मान लो एग्जाम्पल इस टाइप के है कुछ, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x, ऐसा है। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है लेकिन इधर 3 भी पावर है तो वो नहीं चलेगा, मैक्सिमम पावर 2 हो सकता है, उससे ज्यादा पावर नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा भी हो गया 2x+5, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों, इसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन क्या, एक्स स्क्वायर होनी चाहिए और उससे ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। ओके, अब सेकेंड जो हम लोग ने सीखा था इसमें, वो सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड और मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड दैट यू हैव स्टडीड, एक्स स्क्वायर कैन बी नेगेटिव। हाँ, एक्स स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, वो चलेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस इज राइट, माइनस एक्स स्क्वायर चलता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, एक्स का पावर -2 नहीं हो सकता। क्यों, इसका मतलब हो जाता है 1/x² हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए एक्स का पावर 2 होना चाहिए, कितना, 2। मतलब आपको याद रखना डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 2 होनी चाहिए, बस डिग्री याद रखो 2। ठीक है, जिसका डिग्री 2 होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब सेकंड मेथड हमने सीखा था फैक्टराइजेशन, तो उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबने किया है सेकंड चैप्टर में। बस उसमें ये याद रखना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये हमने किस में पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स में, लेकिन इसमें भी काम आएगा। ठीक है, ये दोनों टू, और उसके बाद थर्ड जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इफ इक्वेशन x²ax² + bx + c = 0, तो उसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स या जीरो क्या होंगे उसके, -b + -√√(b²-4ac/2a). ठीक है, ये इसके रूट्स होते हैं। क्लियर, ये हमने किसमें क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कब यूज करेंगे, जब जिसका मिडल टर्म स्प्लिट ना हो पाए। ठीक है, जैसे कोई ऐसा इक्वेशन दिया x² + x + 4, इसका मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे आप, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। और जो फोर्थ और लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका वो था कंडीशन, कंडीशन फॉर डिफरेंट रूट्स, कंडीशन फॉर डिफरेंट रूट्स। ठीक है, तो रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, किसके ऊपर, डी, या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है, b²-4ac, b²-4ac। ठीक है, इफ फर्स्ट केस, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा आपका, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, ठीक है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड डिस्टिंक्ट। थर्ड, ठीक है बताता हूँ, एक मिनट पहले ये देख लो। और सेकेंड केस क्या है, इफ डी इज इक्वल टू 0, मतलब रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। एंड थर्ड क्या होता है, इफ डी इज लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट, नो रियल रूट, या इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं उसको, इमेजिनरी या नो रियल। तो ये तीन कंडीशन होती है डी के ऊपर। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट प्रसाद पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए जिसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, जैसे कि ये इक्वेशन है x² + x + 4,
तो उसका रूट फाइंड करने के डायरेक्ट ये फॉर्मूला है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर होगा। क्लियर है ये, जब अभी आप कॉन्सेप्ट फॉर्मूला देखो कैसे याद रखने में। क्लियर, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो नॉर्मली इग्नोर हो जाता है बट उसके भी इम्पोर्टेंस है, तो वो देखो आप, वो क्या है देखो। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, बोला है कंडीशन फॉर रियल रूट्स, क्या ओनली रियल रूट्स, ये नहीं बोला है रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है, सिर्फ रियल बोला है, तो आपका कंडीशन क्या होता है, डी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन जीरो। क्यों नहीं, जो आपका टेस्ट होने वाला है वो सब्जेक्टिव होगा, जो पहले तीन हुए थे उसकी तरह सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। एक दो एमसीक्यू आएंगे स्टार्टिंग में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के, ठीक है, आपको हैंड रिटन लिख के सबमिट करना है वहां पे सेंटर पे, ठीक है, एमसीक्यू नहीं होगा ये टेस्ट आपका। क्लियर है, ठीक है, तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, रियल रूट्स का कंडीशन, किसका, रियल रूट्स का। ये कैसे आया, देखो रियल एंड डिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है, डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये कंडीशन है, और रियल एंड इक्वल के लिए क्या है, डी इक्वल टू जीरो। तो रियल क्या दो बार आ रहा है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये याद रख लेना, रियल रूट होगा तो ये लिखोगे आप, डी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतने ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट में, तो बाकी सब एग्जाम्पल सॉल्व करने आना है। ठीक है, क्लियर है सबको सारे कॉन्सेप्ट, किसी को कोई डाउट है किसी में, ये फैक्टराइजेशन तो आता ही है सबको, मिडल टर्म स्प्लिट करना, क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं इसको क्लियर करके। देखो तो हम लोग अभी क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन आपका, Which of the following is quadratic equation? तो आपको quadratic equation बताना है। तो इसमें तो एक ही method है, सबको simplify करके check करने का, ठीक है? अगर जिसका इसमें calculation fast होगा जल्दी कर सकता है, ठीक है? तो हम लोग एक एक option को check किया जाता है इसमें। पहले option A को ले लो, x square plus 1 है, इधर क्या है, ये है ना 2 minus x का whole square plus 3 है, ठीक है? तो हम लोग चेक करेंगे x square plus 1, इसको कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, जब भी मैं कोई चैप्टर करवाऊंगा उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, जितने भी एक तरह का समरी होगा आपका जब भी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया था, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसके आपसे आपसे 2 का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू एच प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो ये सबको इतनी सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है, आगे कुछ सॉल्व मत करना। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, तो एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब यहाँ पर कोई और एक्स स्क्वायर का टर्म बचा आपके पास, कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, बस पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। अब सेकेंड देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है और ये एक्स माइनस 1 का क्यूब है, तो वापस को सॉल्व करो, यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला अगर किसी को नहीं पता तो लिख लो, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। सर x शुड बी नेगेटिव, इसमें x नेगेटिव की बात कर रहे हो, ये x इस b हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है ना, ये तो स्क्वायर में होगा, सेकंड टर्म नेगेटिव होता है तो मैंने नेगेटिव रखा, ये तो प्लस हो जाता है, प्लस प्लस दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ x का टर्म बचेगा,
हमें वो इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब वन का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और वन प्लस थ्री एक्स और वन का स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ठीक है। देखो एक्स क्यूब कट जाएगा एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या बचा, ये थ्री एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप ये थ्री को इधर लेके आओगे तो प्लस थ्री हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस थ्री है तो इधर माइनस थ्री, और ये माइनस वन इधर आएगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या बचा आपका इक्वेशन, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे इसका पावर क्या है, टू है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक। तो आप ऑप्शन टू को टिक कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो सब रॉन्ग आंसर दे रहे थे, डी किस, कोई डी बोल रहा था, कोई ये बोल रहा था, तब तक ये क्वेश्चन का आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चले, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, भले सॉल्व फटाफट कर सकते, लेकिन सॉल्व करके चेक करना कर। जैसे ही एक आंसर आ गया तो बाकी दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अगर वापस से जानना है तो पहले हम लोगों ने क्या किया, ए को हमने एक्सपांड किया, तो ये टर्म तो सेम रहने वाला आपका, दिस टर्म विल बिकम रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टर्म क्या है, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब टू इंटू टू इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमने क्या बोला था, आपको एक्स स्क्वायर तो होने ही चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं बचा तो ये तो क्वाड्रेटिक बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये तो कैंसिल कर दो आप डायरेक्ट, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन नहीं सकता, तो आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हो। अभी सेकेंड वन चेक कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ए क्यूब ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर, ये पुट किया तो यहाँ से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, और लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म बच गया, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया, तो ये उसका ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन भी इसके जैसा है, तो वो आप लोग को यही करना है, आपको सबको एक्सपांड करके चेक करना है, ठीक है, आपको एक एक को एक्सपांड करके चेक करना है कौन सा आ रहा है, फर्स्ट सी डी, तो डी से यू विल ट्राई, ठीक है, आपने पहले कर लिया होगा तो ऑप्शन बता दो, इसने सॉल्व किया क्या आएगा, अगर सॉल्व किया होगा तो बताओ पहले क्या आता है, सबको एक्सपांड करना है, बट क्वेश्चन ध्यान दो इसमें नॉट क्वाड्रेटिक है, ठीक है, नॉट क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक ना हो, क्लियर है। देखो मैं इसको शॉर्ट बता देता हूं, ये तो क्वाड्रेटिक होगा, पहला क्वाड्रेटिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर कट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पहला क्वाड्रेटिक है। सेकेंड क्या है, ऑप्शन बी क्या है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो देखो सेकेंड में भी क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ टू है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या वन होगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, तो ऐसे आप एक एक करके चेक करना फिर, क्लियर है। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये राइट आंसर ऑप्शन सी नहीं है, तो ये आप चेक कर लेना करके, कैलकुलेटिव पार्ट है, ये कर लेंगे हम लोग। देखो थर्ड वन, चलो ये भी करो, ये तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने किसमें करवाया आपको, पॉलिनोमियल्स में करवाया, किसमें, पॉलिनोमियल्स में करवाया। देखो एक बात ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों के एमसीक्यू थोड़े थोड़े सेम मिलेंगे आपको, जो आपने पॉलिनोमियल्स में किए ना कुछ एमसीक्यू इसमें भी मिलेंगे आपको सेम कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है, क्योंकि दोनों एक तरह के एक ही चैप्टर है। इफ एक्स इक्वल टू थ्री इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, सॉल्यूशन का मतलब देखो, सॉल्यूशन हो जाए, रूट हो जाए, जीरो से हो जाए, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, तो सॉल्यूशन दिया है, तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है ना वहां पर क्या रखना है, थ्री रखना है, जहां पे भी एक्स है वहां पे थ्री रखो और के की वैल्यू फाइंड करो, के की वैल्यू फाइंड करो। चलो एक मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट करके बताइए, फिर मैं करवाऊंगा। सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू थ्री इन दिस इक्वेशन और सॉल्व, ठीक है,
आंसर आना चाहिए सबके साइड से। ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है जल्दी करियो सॉल्व, क्वेश्चन लिख लो। ऑप्शन बी शुभ लक्ष्मी, ठीक है तेजस, हर्ष मोहित, दीपाली, स्वयं, ठीक है ठीक है, सबका आ रहा है, गुड। देख लेते क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू 3 पुट कर दो, एक्स पे 3 पुट कर दो, जहां जहां एक्स वहां पे 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 3 के माइनस 1, तो माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया आपका, देखो 3 इंटू 9 27 प्लस 3 के, और ये क्या माइनस 3 प्लस 9 मतलब प्लस 6, तो देखो ये 27 प्लस 6 33 हो जाएगा, प्लस 33, अब 33 को उधर फेंक दो तो माइनस 33 बन जाएगा, तो k इक्वल टू माइनस 33 बाय 3 मतलब कितना होता है, मतलब माइनस 11 होता है, राइट right, ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर सही दिया, गुड, लगभग सबने राइट आंसर दिया जितने भी सब लिखा है, ठीक है, तो क्लियर है क्वेश्चन सबको, जिसको नहीं था वो ये कॉपी कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस पेज पर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, तो करवाने की जरूरत नहीं है मुझे। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब, सम ऑफ द रूट मतलब सम ऑफ द जीरो, वही रूट या जीरो एक ही बात है, सम ऑफ द रूट्स, तो आप इसका रूट्स निकालने जाओगे, नहीं रूट्स नहीं निकालना, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाएंगे, रूट्स नहीं निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करोगे आप, करो जल्दी करोगे, जल्दी करिए। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा या सम, क्या होता है माइनस बी बाय ए, यहाँ से ए की वैल्यू रखो बी की वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। 6666 मयंक पटेल, नितिन, नितिन, अर्पिता, गुड गुड, तेजस, अनुराग, विकास, ठीक है गुड। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिक्स में, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 6, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू माइनस 6, आंसर आ गया 6, ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। एक बेटा ये आपका हो गया, देखो फिफ्थ क्वेश्चन लो, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये करो, ये भी आसान ही है, सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन है, रेशियो, रेशियो पूछा है पहली बात तो, किसका रेशियो, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, किसका रेशियो पूछ दिया है लोगों ने, इन्होंने रेशियो पूछा है सम और प्रोडक्ट का, ठीक है सम एंड प्रोडक्ट का रेशियो पूछा, तो सम क्या होता है, सम क्या होता है बताओ, चलो ये करो, हिंट दे दिया मैंने, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो क्लास एंड हो जाएगी, मैं भी लास्ट 1 o'clock तक चलेगा, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है जितने क्वेश्चन हो, 2/4 2/3 क्या है आंसर, देखो सम क्या होता है माइनस बी बाय ए, सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था सी बाय ए, तो यहां से ए कट जाएगा तो क्या बचा माइनस बी बाय सी बचेगा, माइनस बी बाय सी बचेगा, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ से, अगर आप b की वैल्यू देखोगे तो b की वैल्यू है माइनस 12, कितनी है माइनस 12, और c कितना है 18, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 12/18, लेकिन 12/18 तो ऑप्शन नहीं है, तो इसको कट करेंगे हम लोग, 12 किसके टेबल में आता है 6 के टेबल में आता है 18 भी, तो 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, तो आंसर क्या आएगा 2/3 इज द राइट आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, तो बहुत लोग का राइट है, गुड, मतलब आपने क्लियर कर रखा है पहले वर्ष वर्कशीट, गुड ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लो फटाफट से, ये क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा सबका, ये रहा सिक्स्थ क्वेश्चन, दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
will be reciprocal of each other. देखो reciprocal का भी concept मैंने आपको सिखा है polynomials में, तो उसी concept पे करना है. ऑप्शन सी प्रथम गुड. ठीक है बाकी लोग करो. C equal to A, good, 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 everyone. ठीक है. Roots of the equation is reciprocal. मैंने बताया जब भी reciprocal है मतलब क्या, अल्फा इक्वल टू वन बाय बीटा, और शॉर्ट में जाना है तो अल्फा बीटा इक्वल टू वन. कैसे आया, हमने इसको इधर ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो. ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है, सी बाय इक्वल टू वन. अब वन को इधर ले लो तो सी बाय इक्वल टू वन. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, इजी था. नेक्स्ट ले लो क्वेश्चन. अब टेक द क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व इट. चलो ये करो, इक्वल रूट्स. अब कंडीशन वाले क्वेश्चन आएंगे. कौन से वाले, कंडीशन वाले क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, कंडीशन वाले जो चार कंडीशन बताई थी ना वो वाले. तो कौन सी कंडीशन लगानी है इसमें, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट. ठीक है, इक्वल रूट हो रही है. इक्वल रूट का क्या कंडीशन होता है, D इक्वल टू जीरो फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, D इक्वल टू जीरो. देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, इसमें सबका आंसर अलग अलग दिखा रहा है मुझे. तो D इक्वल टू जीरो, तो D क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये होगा. अब b की वैल्यू क्या है, यहां से बताओ b क्या है, 6k के बराबर है. ये b है तो 6k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 9 है, c कितना है 4 है, तब मैं वैल्यू रख दी. अब देखो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81. या आप ऐसा भी करो, अभी अगर आप स्क्वायर नहीं करना चाहते हो तो मत करो स्क्वायर, ऐसा लिखो 9k into 9k स्क्वायर है ना, माइनस 4 into 9 into 4 ऐसा. अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में से, कॉमन मुझे तो एक 9 दिख रहा है. ठीक है, तो 9 को मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, सॉरी यार एक मिनट, गलत हो गया, b की वैल्यू 6k है, हम लोग 9 के ले रहे हैं इसलिए गलत हो रहा है, एक माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट. b की वैल्यू 6k है, b इक्वल टू 6k, मैंने 9 रख दिया था, नहीं आ रहा 6k स्क्वायर, a की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 4, अब आ जाएगा आपका 940. अब 6 का स्क्वायर कितना, 36k स्क्वायर, 4 9 36 into 4 कर सकते हैं इसको, तो इसमें 36 कॉमन है तो 36 को कॉमन कर दो, क्या बचा, k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. अब देखो k स्क्वायर माइनस 4 है तो यहाँ पर गलती क्या होगी, आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो आप इसको क्या करोगे, के स्क्वायर, ये 36 को हटा दो यहाँ से, रिमूव 36, तो के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0. तो इसको लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से के की दो वैल्यू आएगी, के माइनस 2 इक्वल टू 0 और के प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब के इक्वल टू, एक तो 2 आ जाएगा और एक के इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा. ठीक है 2 and -2. हमेशा याद रखना जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है तो उसकी दो वैल्यू आती है. हाँ ये मैंने सही कर दिया, 9k वाला, ठीक है ना, क्लियर है, एक ही दो वैल्यू आएगी जब भी ये आएगा, ऑप्शन सी आएगा, गॉट इट. तो इस पे ध्यान देना है, जब भी k होगा आपका दो आंसर, कॉपी कर लो फटाफट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. या इसको अगर दूसरे तरीके से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. देखो k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो k स्क्वायर इधर आएगा तो 4 आ गया, मतलब k की वैल्यू रूट 4, और रूट 4 मतलब प्लस माइनस 2, ऐसा भी कर सकते हो. ठीक है, दोनों राइट है, गॉट इट. तो लो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो कंडीशन है डायरेक्ट है, 9th और 10th दोनों करना है आपको. ये रहा 10th और आगे 9th, ये रहा 9th, 9th 10th बताओ.
नाइन क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, a डज नॉट इक्वल टू, आर इक्वल रियल एंड अनइक्वल, मतलब क्या है रियल एंड डिस्टेंस, अनइक्वल मतलब डिस्टेंस, ठीक है, अलग अलग, इसकी कंडीशन क्या है, ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए, क्या पूछ रहे हैं, डी है ना ये, तो डी क्या होता है रियल एंड डिस्टेंस के लिए, ग्रेटर देन वन जीरो होता है, इक्वल टू जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है, या नन ऑफ दिस होता है, बताओ क्या होता है, ऑप्शन ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, रियल एंड डिस्टेंस के लिए डी क्या होता है ग्रेटर देन जीरो, और डी क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकते हैं, अगर कंडीशन दे दी आपको बी स्क्वायर ग्रेटर देन, ऐसा भी पूछ सकते हैं बी स्क्वायर ग्रेटर देन फोर ए सी, बी स्क्वायर ग्रेटर देन फोर ए सी, तब क्या होगा, तब भी रियल एंड डिस्टेंस ही होगा, क्यों, क्योंकि बस फोर ए सी को इधर ले लिया, ठीक है, या ऐसा भी पूछ सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ए ग्रेटर देन सी, तब भी यही आएगा, बस कंडीशन को इधर उधर कर रहे थोड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टेन देखो, क्या पूछा है टेंथ में, ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल करोगे, क्वेश्चन नंबर टेन टेन इलेवन, टेंथ बता देता हूँ, इलेवेंथ कर लेना, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी ऐसा हम लोग पूछा है तो हम लोग क्या करना रहता है, पहला काम, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू फाइंड डी, डी फाइंड कर लो पहले, तो डी फाइंड करना है, देखो मैं कैसे बताता हूँ, इसमें क्यों रियल अनइक्वल तो है लेकिन साथ में रैशनल और इरेशनल भी है, तो इसको कैसे टैकल करोगे, उसके लिए देखो सबसे पहले आप डी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, डी, डी क्या होता है, सॉरी डी क्या होता है, डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है टू और सी कितना है सेवन, तो डी कितना हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, फोर टू जा एट, एट सेवन जा फोर्टीन, फोर जा फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स, तो यहाँ पे डी कितना गया माइनस ट्वेंटी, अगर माइनस ट्वेंटी आया तो खेल खत्म, डी क्या है नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, मतलब खेल खत्म हो गया, मतलब क्या हो जाएगा इमेजिनरी, या इमेजिनरी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी कोई अनरियल, ठीक है, नो रियल रूट्स तो बोलते हैं, नो रियल लोड, ठीक है, तो इमेजिनरी आ जाएगा अगर डी नेगेटिव हो गया तो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसका डी निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है, इलेवेंथ का, इलेवेंथ का डी निकालो, ये हमारा टेंथ का डी है, इलेवेंथ का डी फाइंड करो कितना आ रहा है, इलेवेंथ का डी फाइंड करिए, उसमें मैं बताऊंगा रेशनल इरेशनल को कैसे करना है, इलेवेंथ का डी फाइंड करो, देखो इलेवेंथ के लिए d क्या हो जाएगा, इसके लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी कितना है माइनस सिक्स स्क्वायर फोर, ए कितना है टू और ये थ्री है, तो ये थर्टी सिक्स, फोर टू जो है एट, थ्री जो ट्वेंटी फोर, तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया ट्वेल्व, आंसर कितना आया ट्वेल्व आया, अब ट्वेल्व तो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन ये क्या हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, बट रियल एंड अनइक्वल तो दोनों में है, फर्स्ट में भी और सेकंड में, तो हमें ये कैसा पता चलेगा रेशनल है कि रूट इरेशनल है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो जब भी ऐसे ऑप्शन दिया होगा रेशनल इरेशनल वाले, तो आपको क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ इजी तरीका बताता हूँ क्या करना होगा, जब भी ऐसे रेशनल और इरेशनल दिया हो तो क्या करो, आप रूट एक बार निकाल लो, पूरा रूट नहीं निकालना है, क्या करना है मैं बता रहा हूँ, देखो रूट क्या होते हैं इसके, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही होता है बाई टू, ये होता है, या हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर अंडर रूट डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो मैं इसके पे जे पे क्या लिखता हूँ, डी लिख देता हूँ टू ए। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो आप, एक बी की वैल्यू कितनी है सिक्स है, तो ये माइनस से प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस में रूट ट्वेल्व बाय टू टू। अब देखो क्या आप रूट ट्वेल्व का रूट निकाल सकते हो, मतलब परफेक्ट रूट आता है 12 का, 12 का परफेक्ट रूट आता है, नहीं आता है, नहीं आता है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, कि यहाँ पे रूट में कैसे नंबर आ रहा है कि इरेशनल नंबर आ रहा है रूट 12, रूट 12 का इरेशनल है, ठीक है,
रूट ट्वेल्व की वैल्यू क्या होती है, 2√3 होती है, मतलब इरेशनल होता है वो, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, अगर डी, आप डी निकालोगे, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, इफ, इधर लिख, नोट डाउन कर लो, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट विल बी रैशनल, रूट विल बी रैशनल। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट रैशनल होगा, इफ नॉट, इफ डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन इरेशनल, ठीक है। बस ये पता रहेगा तो कुछ ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो यहाँ पे डी कितना है, 12 है, और 12 क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, 12 का रूट नहीं निकलता है, मतलब क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। अगर इसके यहाँ पे 25 हो जाता तो 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये होता रैशनल, ठीक है। तो ये चीजें भी पता होना चाहिए आपको, क्लियर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल, अगर नॉन परफेक्ट होगा तो इरेशनल, ठीक है। और रियल और अनइक्वल तो पता ही है, ठीक है। तो इसके साथ ये कॉन्सेप्ट भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 ले लो। चलो ये करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इफ डी इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तो नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट, मतलब डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, बताओ क्या आंसर आएगा। डी लेस देन जीरो, देखो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या, 5 है, स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 16 है, लेस देन जीरो, 5 के स्क्वायर मतलब 25, ए स्क्वायर 4 ये हो गया 16 4, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है आपका, एक तरह का वापस उस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, 5 ए का होल स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, लेस देन 12, लेस देन जीरो। तो ये क्या हो गया, 5 के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 इक्वल, यहाँ पे भी लेस देन को भूल जाओ, सब मुझे इक्वल टू ही है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करो, 5 के प्लस 8 लेस देन जीरो, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 के माइनस 8 लेस देन जीरो, ये तो आएगा, ये का आएगा, और दूसरा आएगा 5 के एक आपका आएगा ग्रेटर देन जीरो, एक आएगा ग्रेटर देन जीरो। देखो तो 5 के ये माइनस 8 इधर आया तो प्लस 8 हो गया, तो k इक्वल टू 5 नीचे आएगा तो 8/5, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 8/5, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 8 ग्रेटर देन माइनस 8/5, ग्रेटर देन माइनस 8/5। अब मुझे बताना, इधर दो, देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक डाउट आया होगा आपको, आना चाहिए, यहाँ पर हमारा साइन था माइनस का, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे साइन था माइनस का, तो मैंने एक में माइनस लिया, इसमें माइनस लिया, माइनस का साइन लिया, मतलब लेस देन का साइन लिया, इसमें प्लस का साइन लिया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्यों, ये हमें इसको क्या लाना है, नेगेटिव लाना है, तो कोई भी टर्म नेगेटिव कब आता है, जब दोनों में से एक नेगेटिव हो। जैसे देखो, अगर मैं माइनस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा माइनस 6 आएगा, आएगा ना, अगर मैंने माइनस 2 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा प्लस 6 हो जाएगा, समझे। तो जब भी आपको लेस देन जीरो लाना रहता है तो दोनों में से किसी एक को लेस देन लेने का, एक को ग्रेटर देन लेने का, ठीक है। तो मैंने पहले वाले को लेस देन लिया तो ये आपका लेस देन आ गया, ये साइन, ठीक है। अब देखो ये आने के बाद 8 इधर आएगा तो k कितना है, 8/5, और इसको ग्रेटर दोगे तो माइनस 8, ये आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी, नॉर्मली जब भी ऐसे साइन आते हैं ना तो
एक आंसर कभी नहीं होता, हमेशा दो ही आंसर होते हैं, इतना याद रखना। तो क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से कर लेना, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? हाँ नंदिता, क्या डाउट है? रेज योर हैंड। एक्सप्लेन अगेन आदित्य। देखो कहाँ से चाहिए तुम्हें? यहाँ से। हमने क्या किया, डी लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू मैंने उठा ली, तो डी लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी लेस देन जीरो होगा, माइनस और प्लस साइन। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? फाइव स्क्वायर माइनस टू। अब उसके बाद क्या कर सकते हो आप, उसके बाद आपको ये करना है कि इसको एक्सपांड कर दिया, तो मैंने क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके हिसाब से क्या होगा आपका, देखो ये एक टर्म बन गया, एक दूसरा टर्म बन गया। अब ये दोनों को प्रोडक्ट करने पे मेरे को नेगेटिव चाहिए, मतलब लेस देन जीरो, समझे, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होता है। तो हमेशा याद रखो कि दो नेगेटिव नंबर को माइनस करने पे कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। नेगेटिव कब आता है, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोनों में से एक को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैंने पहले को नेगेटिव लिया, 5k माइनस 8 लेस देन जीरो, और दूसरे को मेरे को प्लस लेना पड़ेगा, 5k प्लस 8 ग्रेटर देन जीरो। तो ये माइनस 8 इधर आया तो प्लस 8 होगा, 5 ऊपर है तो नीचे आया तो ये आ गया, और 5k प्लस 8 ग्रेटर देन जीरो, ये प्लस 8 है इधर आया तो माइनस 8। इसके बाद तो आपको बस कैलकुलेट करना इक्वल टू लेके, तो 5 को नीचे ले लो तो माइनस 8 बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आदित्य ओके, तो लेट अस क्लियर दिस सॉल्यूशन और मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपका कौन सा है? हाँ 13th वन करो, 13th वन। ये भी देखो, इसमें भी ऐसे आ सकते हैं केस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के हैज रियल रूट्स, कौन से रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, रियल रूट्स की बात हो रही है, रियल रूट्स की बात हो रही है, रियल रूट्स। तो रियल रूट्स का कंडीशन याद करो, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में बताया था, रियल रूट का कंडीशन क्या होता है, क्या डी ग्रेटर देन जीरो होता है, क्या डी इक्वल टू जीरो होता है, नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, रियल का ये कंडीशन है रियल के लिए। ठीक है, रियल के लिए कंडीशन क्या है, फॉर रियल रूट्स डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज है। अब वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर से गिव, बी की वैल्यू माइनस सिक्स, फोर की वन और के की वैल्यू, ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो सिक्स का स्क्वायर 36, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 2 जाए 8k हो जाएगा ना, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो ये प्लस 36 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 36। इनक्वालिटी से डरना नहीं, इसको इनक्वालिटीज बोलते, जब एक आप 11th में जाओगे अगर पीसीएम लोगे तो पूरा एक चैप्टर होता है इसके ऊपर, लीनियर इनक्वालिटीज, तो उसमें बहुत डीप में आपको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं इनक्वालिटीज से। तो ये मैंने माइनस ले लिया तो ये 8 ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो क्या आ गया, k ग्रेटर देन, अब ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, ये कटेगा 4 से, 9 × 4 = 36, 9 × 2 =, तो ऑप्शन बी आप मार्क कर सकते हो। क्लियर, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, इजी था ये वाला। तो अभी एक वर्कशीट हमने कंप्लीट कर लिया, तो मैं अभी एक बार आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ क्लास का, 70-65 ही हो गए, तो उसके बाद हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो लेट मी टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट, एक अभी अटेंडेंस हो गए लास्ट में।
ठीक है, तो वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। किसी को अभी तक किसी को डाउट है तो बताओ, एक वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई, तो किसी को अभी तक डाउट है, एनीवन, अनम्यूट करूँ आपको, चलेगा? किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। टिल 1 o'clock, हाँ 1 o'clock तो कंप्लीट हो जाएगा, मे बी 5-10 मिनट। पाँच दस मिनट लेट होगा, ठीक है, तो अभी कंटिन्यू कर लेते, खत्म कर लेंगे 1 o'clock तक। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, ये हो गया, दिस वाज डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, देखो ये तो इजी है। इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज अ 2 एज अ रूट, 2 किसका रूट होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, बस सबमिट वैल्यू पुट कर देकर देखो, जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो आंसर राइट हो जाएगा। क्या करना है, सब में वैल्यू पुट करो, ऑप्शन ए में एक्स इक्वल टू 2 करना है, तो 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस 5, तो कितना हो गया 9, 1। ठीक है, तो जिसका आंसर 0 आएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो देख लेना किसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो पहले का तो नहीं दिख रहा है 2, इसका भी 2 रूट्स नहीं दिख रहा है, इसका 12, 12, 4 इसका आ सकता है 2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सबका चेक करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 15th वन। इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है इक्वेशन हैज ए 2 डिस्टिंग रूट, मतलब 2 अलग अलग रूट है, तो इफ कब होगा, अलग रूट कब होगा, 2 डिस्टिंग रूट कब होगा, तो कंडीशन क्या होता है डिस्टिंग रूट का, क्या होता है डिस्टिंग रूट का कंडीशन, डी ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये होगा। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, आपकी b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a है, और इसकी वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू भी a है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहां से चाहो तो आप 4 को कॉमन निकाल सकते हो, 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू 1 रखने पर, अगर a की वैल्यू देखो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आपका आ जाएगा ये इक्वल रूट होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इक्वल रूट की बात होनी चाहिए यहां पर, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देना आप इसको ना, इक्वल रूट्स करना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है इसमें, तो इसको आप इक्वल रूट्स करना, डिस्टेंस नहीं इक्वल आएगा, सॉरी इक्वल रूट करना इस क्वेश्चन में, इसको इसको कट करके इसको इक्वल रूट रख देना, तो ये ना साइन इक्वल टू का आएगा, नहीं तो साइन ग्रेटर का आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको लिखोगे a माइनस 1, या ऐसा लिख सकते हो a इक्वल टू, ठीक है ये लिख सकते हो, मतलब a इक्वल टू रूट 1, रूट 1 मतलब प्लस माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू कर देना तो हो जाएगा आपका, क्योंकि ग्रेटर देन का ऑप्शन ही नहीं है, तो इक्वल टू का ही कुछ होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, डिस्टिंग पे इक्वल आएगा, अगर डिस्टिंग पूछेगा तो ये ऑप्शन में चेंज होगा, ठीक है, ऑप्शन में साइन ग्रेटर देन का होगा, अगर डिस्टिंग होगा तो साइन ग्रेटर देन का होगा, कुछ ऐसा साइन होगा, ए ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन माइनस 1, ऐसा कुछ साइन होगा, ठीक है, क्लियर। चलो 16 लो, इफ द इक्वेशन डज नॉट पोसेस द रियल रूट, मतलब
उसके पास रियल रूट नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट होगा ना, डज नॉट हैव रियल रूट, मतलब क्या, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। चलो डी लेस देन का जीरो का कॉन्सेप्ट लगा दो, कॉन्सेप्ट लगा के बताओ कितना आएगा। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने अभी, अभी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया, डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रख देना, बी कितना है माइनस बी, बी तो बी है, ए की वैल्यू कितनी है, क्या आंसर आ रहा है सबका, ऑप्शन बी आ रहा है शुभ लक्ष्मी, ठीक है गुड राइट है तेजस। देखो ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। अब वापस ये करोगे आप जो मैंने सिखाया था, बी इसको क्या लिख सकते हो, टू का स्क्वायर लेस देन जीरो, मतलब बी माइनस टू बी प्लस टू, तो वापस क्या करना है आपको, एक को ग्रेटर देना है एक को नेगेटिव लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, बी माइनस टू को लेस देन जीरो लोगे और बी प्लस टू को ग्रेटर देन जीरो लोगे, वापस वही केस है ना, नेगेटिव चाहिए, एक को नेगेटिव लो एक को पॉजिटिव लो, तो बी लेस देन टू और बी ग्रेटर देन माइनस टू, तो दिस टू को कॉम्बाइन कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बी। दो आंसर आते हैं सही है, सिर्फ ये नहीं आएगा, या सिर्फ ये नहीं आएगा, क्लियर है, ठीक है। हमेशा ऐसे जब भी लेस देन वाले केस में हमेशा यही आंसर आता है, दो वाले, क्लियर, तो कॉपी कर लो फटाफट। देखो ये रहा, इफ एक्स इक्वल टू वन इज ए कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन देन ए बी के वैल्यू बताओ। चलो देखो एक्स वन इज ए कॉमन रूट, मतलब जो एक्स की वैल्यू है ना वन, हम लोग दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू वन, इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू वन इन द फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स पे वन रख दो, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन प्लस ए प्लस थ्री, तो क्या हो गया टू ए प्लस थ्री, तो ए कितना हो गया टू ए इक्वल टू माइनस थ्री, इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, तो किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इन द सिमिलर वे, इन द सेम वे यू कैन सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू वन इन द सेकेंड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस एक्स प्लस बी है इक्वल टू वन है, तो एक्स पे वन पुट कर दो, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस बी का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस वन टू, तो बी कितना हो गया माइनस टू, कितना हो गया माइनस टू। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इज ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कर दो, ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, बी की वैल्यू माइनस टू, माइनस माइनस कट हो जाएगा, टू टू कट हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा थ्री टू थ्री आ जाएगा, कितना बचेगा थ्री, ऑप्शन ए, ठीक है क्लियर है, ऑप्शन ए बचेगा। डी कौन लिख रहा है, डी नहीं आएगा, हाँ डी माइनस थ्री नहीं आएगा प्लस थ्री आएगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये मिस्टेक को दूर रखो करना है आपको। साइन मिस्टेक बहुत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 18 इफ पी पी एंड क्यू आर द रूट्स, वापस वही खेल हो गया, पी और क्यू रूट्स है, तो रूट से मतलब ये है कि हम लोग एक्स के जगह पे एक बार पी पुट करेंगे और एक बार एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, क्यू पुट करेंगे ये दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो इक्वेशन ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एक्स के जगह पे क्या रखना है, पी रखना है, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू, एक मिनट, पी इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस क्यू, ये आ गया।
दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, एक्स जेड पे क्या रखना है, क्यू रखना है। एक्स प्लस क्यू तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो इसमें बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सॉरी ये मिस्टेक है ना, एक मिनट, ये पी स्क्वायर आएगा, ये पी स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो पी स्क्वायर आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो ये पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टू क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हो, टू पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हो। तो उसके बाद आप अगर ये पी क्यू को इधर लेके आओगे और क्यू को इधर ले लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू की वैल्यू क्या मिली, क्यू की वैल्यू क्या मिली, इधर से फ्रॉम इक्वेशन वन से क्यू की वैल्यू क्या मिली, माइनस टू पी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो क्यू के जगह पे, किसके जगह पे, क्यू के जगह पे, क्यू के जगह पे क्या रखते हो, माइनस टू पी स्क्वायर रख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस टू पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, टू, टू का स्क्वायर फोर, पी का पावर फोर, कितना माइनस टू पी का पावर क्यूब। और इसमें कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है आपका टू पी क्यू कॉमन है, तो क्या बचेगा, फोर पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से p की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है कुछ, वेलकम, एक मिनट इसको करते हैं अभी, इसका आपका p स्क्वायर है प्लस q है, टू पी स्क्वायर हो गया, ये q स्क्वायर टू क्यू हो गया, q की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करती, स्क्वायर नहीं लगेगा, चलो इसको पूरे स्टार्टिंग से करते हैं, इसको क्लियर कर दो, इसमें बहुत मिस्टेक हो गया, वापस समझे इसको। देखो P एंड द Q आर द रूट्स, P एंड द Q आर द रूट्स, इसका रूट सी एम है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इसका, P प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी, पी इक्वल टू, देखो इसका आसान तरीका हम लोग ढूंढते कुछ, देखो अगर रूट है तो हम लोग को एक पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, क्या होता है सम, आसान तरीका वो भूल जाओ, इजी तरीका को देखते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये निकालते हैं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है, होता है ना, माइनस बी, तो इसकी वैल्यू हो गई पी, क्लियर क्लियर, इसकी वैल्यू हो गई पी और इसकी वैल्यू हो गई वन, ठीक है। अब ये रूट्स, तो रूट्स आपको क्या दिए, पी और क्यू दिए, क्या दिए, पी और क्यू दिए, तो मैं अल्फा जब पी रख सकता हूँ, बीटा जब क्यू रख सकता हूँ, क्लियर है, इक्वल टू माइनस पी। अब ये पी इधर आएगा तो क्या बनेगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ये बना, क्लियर सबको, तो टू पी इक्वल टू क्यू, ठीक है, वो मेथड भूल जाओ, ये दूसरा मेथड देखो आप। तो हमें ये इक्वेशन एक वन मिल गया, कैसे निकाला, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस पी है, पी है और वन ए की वैल्यू, तो अल्फा बीटा क्या दिया, पी और क्यू, तो मैंने पुट कर दिया, पी इधर आएगा टू पी। अब सेकेंड प्रोडक्ट क्या होता है आपका, सी बाई ए, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी, सी कितना है, क्यू है, क्यू बाय वन, अल्फा कितना है, पी है और बीटा कितना है, क्यू है, तो ये कैंसल, ये कैंसल, तो पी कितना मिला, मैं वन मिल गया, ठीक है, पी कितना मिला, वन मिल गया। अगर पी मिल गया तो मैं इसमें अगर पी की वैल्यू पुट करूँ तो क्यू मिल जाएगा, तो टू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो पी की जगह पे वन रख दो, तो ये टू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो Q इक्वल टू माइनस टू, Q इक्वल टू माइनस टू, तो देख लो
इक्वल टू वन और क्यू इक्वल टू माइनस वन, ऑप्शन ए आंसर राइट है। ठीक है, वो मेथड भूल जाओ, वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये इजी मेथड देखा। ठीक है, ये इजी मेथड कर सकते हो आप लोग, इजी मेथड है, क्लियर है। हमें अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट का यूज लगा देना है यहाँ पर, क्लियर एवरीवन। ये मेथड, तो पहले सम ऑफ रूट निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, और अल्फा की जगह पी ले लो और बीटा की जगह क्यू ले लो। क्यों ले रहे? क्योंकि वो रूट्स दिया है, और अल्फा बीटा भी क्या होता है? रूट्स होता है हमारा। कट नहीं होगा राइट साइड में, क्यों नहीं कट होगा? ये भी पी क्यू है, ये भी पी क्यू क्यू है, कट जाएगा, कट हो रहा है ना, ये क्यू है ऊपर है, ये भी क्यू ऊपर है, दोनों कट होगा, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कट हो जाएगा श्रेया, दोनों ऊपर ऊपर कट हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सबको? ठीक है, स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो आप लोग इसका। अब अगला क्वेश्चन देखो, 19th, क्या है? इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब क्या है सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा वन बाई टू ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या होता है यूज करो आप लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, होता है वन बाई टू, और अल्फा इंटू बीटा क्या था? सी बाई ए होता है, यहाँ से ए कट जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू सी बाई टू। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो सबकी, माइनस बी तो माइनस के प्लस सिक्स है, और सी की वैल्यू टू, टू के प्लस माइनस वन बाई टू, ये टू टू कट, तो क्या बचा? माइनस माइनस प्लस, तो के प्लस सिक्स, टू के माइनस वन। अब देखो ये माइनस, ये के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वन आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस सिक्स के माइनस के, तो सेवन और के, टू के माइनस के हो जाएगा, सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, इजी था ये तो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वन बाय टू दिया है, गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज टू, वन रूट टू है, मतलब अल्फा इक्वल टू टू है कुछ रूट, एंड सम ऑफ द रूट इज जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है? जीरो है, ये याद रखना। अल्फा कितना है? टू है, वन रूट दिया है, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? जीरो दिया है, तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं टू पुट करूंगा तो बीटा कितना मिल जाएगा मुझे? ये टू इधर आ गया तो माइनस टू हो जाएगा, तो बीटा कितना मिला? माइनस टू मिल गया। अल्फा कितना दिया था? टू दिया था, अल्फा प्लस बीटा जीरो दिया था, तो माइनस टू मिल गया। अब हम लोग को पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, तो पहले क्या निकालते हैं? सम निकालते हैं, तो सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, तो टू और माइनस टू कितना? जीरो। फिर निकालते प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? टू इंटू माइनस टू, डेट इज माइनस फोर। ठीक है, तो आपको पी एक्स क्या हो जाएगा? पी एक्स होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वेयर, सम कितना आया आपका? सम आया जीरो, प्रोडक्ट कितना आया? माइनस फोर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। ठीक है, ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन हमारा किसमें था? पॉलिनोमियल्स में था, जिसमें नाइन दिया था, एक रूट थ्री दिया था और सम जीरो दिया था। ठीक है ना, तो सेम था वो भी। ये आप आसान तरीका क्या है, एक और इजी तरीका कि एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू टू सब वैल्यू में पुट करके देखो, जो सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर हो जाएगा। एक्स इक्वल टू टू सब में पुट करके देखो, जो सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर हो जाएगा। प्रथम को समझ में नहीं आया? देखो वापस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज गिवन, वन रूट दिया मतलब किसकी वैल्यू रहती है? वो रूट मतलब अल्फा की वैल्यू रहती है, तो मैंने अल्फा को क्या ले लिया? टू ले लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, सम ऑफ हुज रूट इज जीरो, मतलब क्या है? किसका सम जीरो हो, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा जीरो दिया आपको,
तो मैंने अल्फा प्लस बीटा को जीरो कर दिया, अल्फा की वैल्यू टू पुट की, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टू इधर आया तो माइनस टू, ठीक है। अब मुझे अल्फा और बीटा मिल गया, टू और माइनस टू। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगर मुझे पॉलिनोमियल्स बनाना रहता है तो क्या तरीका है, मुझे क्या चाहिए, के एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सम निकाला प्लस अल्फा प्लस बीटा जीरो आया, फिर प्रोडक्ट निकाला अल्फा इंटू बीटा टू इंटू माइनस टू माइनस फोर आया, फिर ये इक्वेशन में पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे जीरो रखा, प्रोडक्ट की जगह पे माइनस फोर रखा, और ये सॉल्व हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, फिर ठीक है, ये आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, ऑप्शन भी आ जाएगा उसके हिसाब से। देखो 21 क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज वन अदर रूट, देखो वन रूट दिया है मतलब किसकी वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू दी है इनडायरेक्टली वन, आपको अदर रूट निकालना, अदर रूट मतलब बीटा निकालना है, ठीक है, क्लियर है, वन रूट दिया है अदर रूट निकालना है। तो आपके पास दो रिलेशन अल्फा और बीटा में, एक है अल्फा प्लस बीटा का जो माइनस बी बाई ए होता है, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का जो होता है सी बाई ए होता है। तो दोनों में से कौन सा रिलेशन यूज करना इजी होगा बताओ, दोनों में से आप कौन सा रिलेशन यूज करो तो इजीली मिल जाएगा, फर्स्ट रिलेशन या सेकंड रिलेशन, इसमें आपका कॉमन सेंस पता चलेगा कितना कर रहे हो, प्रोडक्ट वाला, क्यों, क्योंकि हमें बी की वैल्यू नहीं पता है, बी जो है ना एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो बी वाले इक्वेशन को नहीं लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट वाले को लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके जगह कोई वेरिएबल रहता और यहाँ पे कुछ नंबर होता तो हम लोग फर्स्ट को लेते, तो ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए किसको लेना है। तो अल्फा कितना दिया, वन दिया है, अल्फा वन रख दिया, बीटा नहीं पता है, सी की वैल्यू क्या है, थ्री है, ए की वैल्यू क्या है, वन है, तो बीटा क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है, बीटा क्या हो गया, थ्री हो गया, आपको बीटा निकालना है, ए निकालना बोलेंगे तो ए भी निकाल दोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ए भी निकाल सकते हो, तो बीटा कितना आ गया, थ्री आ गया। देखो 22 नो रियल रूट्स, ये तो मैंने बहुत बार करवा दिया है, तो ये आप कर लेना एक बार, नो रियल रूट्स वाला, ये कंडीशन लगा देना डी ग्रेटर देन जीरो का, तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं भी यही आंसर आएगा, ठीक है, तो दिस यू कैन डू एट होम, यही सेम आएगा, सेम शायद क्वेश्चन भी सेम है, मे बी हो गया होगा, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो 24 ले लो, ये भी करो, चलो ये भी करवाए, रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट, इसका आंसर बताओ, अल्फा इक्वल टू वन बाय बीटा वाला कॉन्सेप्ट, आंसर बताओ इसका जल्दी, करवाया अल्फा बीटा वाला, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। रिंदा जीरो कैसे आएगा, वन, देखो वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू वन, अल्फा बीटा क्या होगा सी बाय ए इक्वल टू वन, सी की वैल्यू क्या है के, ए की वैल्यू क्या है फाइव इक्वल टू वन, तो के इक्वल टू फाइव, क्या दिक्कत है, फाइव फाइव फाइव, ठीक है, क्लियर है। ट्वेंटी फोर ही था क्या, एक और क्वेश्चन था देख लेते होगा, तो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने लिखा है कि नहीं लिखा पता नहीं, ट्वेंटी फोर ही क्वेश्चन था कि लास्ट क्वेश्चन था उसके पास, हमारे पास मैंने ये वर्कशीट में नहीं है मेरे पास, तो इसका खत्म हो गया, ठीक है देख लेते 25 क्वेश्चन नंबर क्या एक बार को देखने, तो फिर मैं करवा देता हूँ। एट 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 एट
क्या है? ट्वेंटी फाइव क्या है? तो कुछ नहीं है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो निकाल लोगे आप लोग। ये था क्वेश्चन, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, चलो एक कर ही लेते हैं मिडिल टर्म। तो कैसे करते हैं, पहले लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 2 6, 12 चाहिए मुझे, माइनस 12 कैसे आ जाएगा, माइनस 4 और प्लस 3 से आ जाएगा। तो 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 2x कॉमन निकल गया तो x माइनस 2, प्लस 3 कॉमन निकल गया x माइनस 2। तो 2x प्लस 3 x माइनस 2, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 और x इक्वल टू माइनस 2। जो भी ऑप्शन होगा वो देख लेना आप लोग, ऑप्शन इसमें उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बी में दिया ऑप्शन बी, मार्क कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एमसीक्यू, ठीक है, पूरा वर्कशीट हो गया। तो हमने अभी तक चैप्टर 1 के कर लिया है, चैप्टर 2 के कर लिया है, चैप्टर 3 के कर लिया है, 4 भी हो गया है, और प्रोबेबिलिटी में भी आपको डाउट नहीं है। तो 5 चैप्टर हो गया, बाकी 3 बचे हैं, तो हम लोग वो अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। एक और किसी का भी मैंने कल बताया था, तो वापस बता दूं, किसी का भी एग्जाम का टाइम टेबल या सिलेबस मिले तो फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, क्लियर एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कुछ क्वाड्रेटिक में कोई समझ में नहीं आया होगा, दूसरे थियोरेटिकल भी पूछ सकते हो अगर आप चाहो तो। किसी को कोई डाउट है बताओ। मयंक, आफिफ, श्रेयांश, प्रथम, हाँ वो एपीएस का 15 तारीख से वो पता है, इसलिए तुम्हारा सिलेबस अलग टेस्ट रखा है ना हमने, वो प्रिपेयर कर लेना वो टेस्ट के लिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पर अभी बहुत कम लोगों ने देखा है उसको, ठीक है, तो सबको देखना है वो, ठीक है। अभी व्यूज में बहुत कम है, मतलब बहुत कम स्टूडेंट ने देखे उसको, तो सबको कंप्लीट करना है वो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आ रहा तो नहीं करोगे, क्लियर है। तो थैंक यू आज संडे को क्लास में अटेंड करने के लिए, तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, चलो बाय। प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं, 22 प्रोबेबिलिटी का समझ में आ रहा है सबको, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास में, क्लास में तो कर ठीक है। एक मिनट, ये सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 22 में एक बार बता दूं इसको, बाद में जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है चाहे तो। अटेंडेंस हो गया आपका, नहीं देख लो अगर सर इसमें डाउट होगा किसी को भी तो देख सकते हो। देखो क्वेश्चन ये है कुछ 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 ये है, रिफर टू एग्जांपल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट 11 पॉसिबल आउटकम फॉर द फॉर, आपको क्या करना है पता है, सम पूछा है, सम 2 होना चाहिए, सम 3 की प्रोबेबिलिटी की होगी, सम 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम 5 की प्रोबेबिलिटी, 6 की, 7 की, 8 की, 9, 10, 11 और 12। देखो जब हम लोग कोई दो डाइस को टॉस करेंगे ना, व्हेन वी टॉस टू डाइस, उसमें क्या आता है, ये प्रोबेबिलिटी है। देखो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी, 1,1, मतलब सम 2 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, मतलब सम 12 होगा, ठीक है। तो आपको 2 से लेकर 12 तक का सम निकालना है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसका फिर सम करना है सबका। और बोल रहा है कि एक स्टूडेंट कोई बोल रहा है उसका सम कितना होना चाहिए, 11/36 ईच ऑफ देम प्रोबेबिलिटी। अब उसने क्या बोला है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/11 होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, आपको चेक करना है कि राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। देखो तो आप इसके लिए क्या करोगे,
पहले आप फाइंड करोगे जिसका सम टू होगा, क्या होता है वन वन एक ही होगा, फिर थ्री होगा उसका क्या होगा वन कॉमा टू, फिर टू कॉमा वन, फिर फोर होगा वन कॉमा थ्री, थ्री कॉमा वन, टू कॉमा टू, सबके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ, देखो सम के लिए, सम के लिए सबसे आसान तरीका देख लो, देखो इधर लिखो सम, इधर लिखो आउटकम, सम आउटकम, सम कितना टू तो आउटकम कितना वन, सम थ्री तो आउटकम टू, सम फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए मुझे, निकालने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ये इससे आप करते हो गया, ये टेबल ऐसा बना लो, इधर लिखो सम, इधर लिखो आउटकम, सम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है इतने सम हो सकते हैं, यहां से स्टार्ट करो वन टू थ्री फोर फाइव, यहां से स्टार्ट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बस खत्म। अगर आपको सम टू बोला तो क्या हो जाएगा वन बाय थर्टी सिक्स, सम थ्री बोला तो टू बाय थर्टी सिक्स, सम थ्री बोला तो सम फोर है तो थ्री बाय थर्टी सिक्स, सम फाइव है तो फोर बाय थर्टी सिक्स, सम ट्वेल्व है तो वन बाय थर्टी सिक्स, सम इलेवन है तो टू बाय थर्टी सिक्स, सम टेन है थ्री बाय थर्टी सिक्स, सम नाइन है फोर बाय थर्टी सिक्स, सम एट है फाइव बाय थर्टी सिक्स, ये फाइव बाय थर्टी सिक्स, ये सिक्स बाय थर्टी सिक्स, बस ये टेबल लिखने आ जाना है फिर कुछ नहीं, क्या करना है टू से ट्वेल्व तक नंबर लिख दो, ऊपर से वन टू थ्री लिखना स्टार्ट करो, नीचे से वन टू थ्री लिखना स्टार्ट करो, जहां खत्म होगा वो भी फिक्स होगा आपका, ठीक है ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, तेजस क्लियर, ओके चलो अभी मीटिंग को एंड कर देते हैं, ओके नॉट इट, तो बाय एवरीवन, लेट अस एंड दिस मीटिंग।